हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, प्रोनाउंस इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। लेट्स फर्स्ट हैव द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउंस आर कॉल्ड प्रोनाउंस, विच मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका यूज नाउन की जगह पे किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? अब इसका मतलब क्या हुआ? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाऊंगी। सपोज इफ आई एम नरेटिंग अ स्टोरी टू यू एंड टेल्स दैट देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी क्रूएल। द किंग यूज टू पनिश द पुअर पीपल। People didn't like that king. So here, what am I doing? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? I'm repeating this word, the king, again and again. मैं ये words, the king word, बार बार repeat कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको, suppose कीजिए, एक story सुना रही हूँ और मैं जब आपको बोलती हूँ कि एक राजा था, वो राजा बहुत ही ज़्यादा cruel था, बहुत बुरा था वो राजा। वो राजा गरीबों को मारता था और उसकी प्रजा उस राजा को पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैंने राजा वर्ड, राजा शब्द बार बार यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि जो सेंटेंस है वो बहुत ही वियर्ड लगने लगता है। अगर हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करें तो क्या हो जाएगा? वो बहुत वियर्ड साउंड करने लगेगा, मीन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इन नाउंस की जगह पे दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे द किंग क्योंकि एक मैस्कुलिन है तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। ठीक है, द किंग, देयर वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी क्रूएल। He used to punish the poor people. People did not like him. Him, so he and him, both these words are called pronouns. Why? Because we used both these words in place of nouns. तो इस तरह से जिस वर्ड का इस्तेमाल या यूज नाउन की जगह पे किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है कि जिस भी वर्ड का यूज़ हम नाउन की जगह पे करते हैं उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि एक राजा था, वो बहुत क्रूएल था, वो गरीबों को मारता था, प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पे हिंदी में वो वर्ड मैंने राजा के लिए इस्तेमाल किया, वो प्रोनाउन ही। इसी तरह से प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी, हिम, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, यूज़ किया हिम। तो बोथ द वर्ड्स ही एंड हिम विल बी कॉल्ड प्रोनाउंस बिकॉज वी यूज्ड देम इन प्लेस ऑफ नाउंस। नाउ लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल्स। Rohit is a good boy. Here, Rohit is a good boy. He is my friend. अब आपको समझना है कि he का use कब करते हैं। Rohit is a masculine gender. Rohit क्या है? एक लड़का है। तो हम masculine gender के लिए उसकी जगह पे pronouns में he word use करते हैं। ठीक है? Always remember that. रोहित की जगह पे अगर द किंग होता तो भी हम ही यूज़ करते बिकॉज किंग इज़ ए मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर्स के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, रोहित इज़ ए गुड बॉय। रोहित एक अच्छा लड़का है। अब हिंदी में आपको कहना है कि रोहित एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। तो आप दोबारा से तो ये बोलोगे नहीं रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित मेरा दोस्त है, बार बार रोहित का नेम तो लोगे नहीं। तो आप कैसे बोलोगे? रोहित एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। तो इसी तरह इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? रोहित इज़ ए गुड बॉय,
ही इज माई फ्रेंड. ही यूज करोगे आप रोहित मैस्कुलिन जेंडर के लिए. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स गो फर्दर. सेकेंड एग्जाम्पल, सोना इज वेरी इंटेलिजेंट. शी इज माई क्लासमेट. नाउ आपको कहना है सोना बहुत बुद्धिमान लड़की है. सोना नेम किसका होता है? जाहिर सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इट्स द नेम ऑफ ए गर्ल. सोना नेम लड़कों का तो नहीं होता है, लड़कियों का तो है. तो नेम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो नाउन है उसका जेंडर क्या है, फीमेल है या फेमिनिन जेंडर है. ठीक है, तो सोना इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अब जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए आपने ही प्रोनाउन यूज़ किया, उसी तरह से आपको माइंड में रखना है कि फेमिनिन जेंडर्स के लिए शी का यूज़ करते हैं, शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं फेमिनिन जेंडर्स के लिए. ओके, वी यूज़ शी प्रोनाउन टू इन प्लेस ऑफ फीमेल जेंडर्स. ओके, आप कहते हो सोना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सोना बहुत बुद्धिमान है, वो मेरी क्लासमेट है. तो आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? शी इज़ माई क्लासमेट. यहाँ पे वो के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया? शी. ठीक है, तो इंग्लिश में, इन इंग्लिश ग्रामर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द जेंडर्स. जैसे आप हिंदी में बोलते हो रोहित मेरा अच्छा दोस्त, रोहित एक अच्छा लड़का है, वो मेरा अच्छा दोस्त है. रोहित इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पे वो वर्ड है लेकिन आपको रोहित नाम क्योंकि मैस्कुलिन है इसलिए ही का यूज़ करना है. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, वेन यू से इट इन हिंदी, सोना एक बुद्धिमान लड़की है, वो मेरी दोस्त है या वो मेरी क्लासमेट है. तो यहाँ पे वो वर्ड हिंदी में तो सेम है लेकिन आपको सोना वर्ड से पता चलता है कि ये एक फेमिनिन जेंडर है, तो इसलिए आप इस किसका यूज़ करोगे? शी प्रोनाउन का यूज़ करोगे. और कैसे बोलोगे? सोना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ माई क्लासमेट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. लेट्स गो फर्दर. इन थर्ड एग्जाम्पल, मोना सुहानी एंड आई प्ले टुगेदर, वी आर इन द सेम क्लास. अब आप हिंदी में कैसे बोलते हो? मोना सुहानी और मैं एक साथ खेलते हैं. तो आप इतने लोगों का नाम लेके तो बोलते नहीं हो, बल्कि इनकी जगह पे सिंपली क्या बोलते हो? हम एक साथ खेलते हैं या हम एक साथ क्लास में हैं. तो सिंपली मोना सुहानी एंड आई, इन तीनों के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? वी, हम. ओके, सो लेट्स गेट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. मोना सुहानी एंड आई प्ले टुगेदर. मोना सुहानी और मैं एक साथ खेलते हैं. वी आर इन द सेम क्लास. हम एक ही क्लास में हैं, विच मीन्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपने तीन नाउंस के लिए, मीन्स थ्री पर्सन्स के लिए, तीन नाउंस की जगह पे एक ही वर्ड का यूज़ किया, वी का. क्योंकि मोना सुहानी एंड आए, दीज आर नाउंस, इनकी जगह पे, इनके प्लेस पे आपने वर्ड का यूज़ किया वी. तो हेयर द वर्ड वी वुड बी प्रोनाउन. तो वी वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. ओके, मोना सुहानी एंड आई प्ले टुगेदर. मोना सुहानी और मैं एक साथ खेलते हैं. वी आर इन द सेम क्लास. हम एक ही क्लास में हैं. So here we word is pronoun because it has been used in the place of three nouns such as Mona, Suhani and I. I hope you have understood this. All the above colored words, which means highlighted words, are pronouns as they are used in the place of encircled nouns. तो जितने भी आपको highlighted या colored words नज़र आ रहे हैं, as like he, सोना, शी, मोना, सुहाने एंड आई, वी, ये सारे ही प्रोनाउंस हैं, ही, शी, वी, क्योंकि इनका यूज़ नाउंस की जगह पे किया गया है जो कि एनसर्कल यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि रोहित, सोना, मोना, सुहाने एंड आई. ठीक है, सो टुडे यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स एंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास.
Okay, I'll see you next class. Thank you.